मैं अरबाज खान और स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। हमारे साथ हैं MSW के दो स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, और इनका नाम जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शोएब अहमद है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर इन सोशल वर्क कर रहा हूं, और मेरी ग्रेजुएशन भी जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई। मैं हिस्ट्री में ग्रेजुएट हूँ, बाकी मेरी सारी पढ़ाई झारखंड से हुई है। हाई, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आगाज खान and I have completed my bachelor's in BA program from Jamia itself. मैं अभी master's in social work कर रहा हूँ। हम same class में हैं, third semester में। तो इनसे हम पहला question ये जानने की कोशिश करेंगे कि MSW के लिए यानी master in social work की preparation के लिए कैसे start करें, तो आप बताना चाहेंगे थोड़ा बहुत इसमें? Master's in social work entrance के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो जो basic किसी भी प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट होती है वो प्रीवियस ईयर पेपर से। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, जैसे कि मैंने अपनी तैयारी करी थी तो लास्ट मैंने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करा था। उससे पहले एक स्टेप और होता है, छोटा सा स्टेप, वो होता है कि सिलेबस गो थ्रू करना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली जामिया है तो इतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं देते ये लोग। बेसिक एक स्ट्रक्चर बता देते हैं कि GS से आएंगे इतने परसेंट क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे या फिर सोशल अवेयरनेस से आएंगे। डिटेल्ड में कुछ नहीं है सिलेबस स्पेसिफिकली कि इस पोर्शन से इतना आएगा, कि GS से पॉलिटी से हम इतने पूछेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 40% सोशल अवेयरनेस और GK से पूछेंगे वो, 20% इंग्लिश का आएगा, 20% रीजनिंग का आएगा और लॉजिकल चीज़ें जो होती हैं जितनी भी, और 20% उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू और GD, वो 10% होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, 80 मार्क्स का एंट्रेंस, 10 मार्क्स का GD, 10 मार्क्स का इंटरव्यू। जब हम एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, 80 मार्क्स का हम कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें GD और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि दैट इज़ ऑन द सेम डे, पहले GD उसके बाद इंटरव्यू। प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट 10 ईयर्स के पेपर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब 10 ईयर्स के हम लास्ट पेपर देखते हैं तो उसमें हमें पैटर्न समझ आ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर क्वेश्चन पेपर में जो चेंजेस हैं वो किस पैटर्न से चेंजेस आ रहे हैं। तो द फर्स्ट स्टेप विच आई वुड रिकमेंड इज़ कि 10 ईयर्स के लास्ट 10 ईयर्स के पेपर बहुत ज़रूरी हैं, और उस हिसाब से आपको पता भी लग जाएगा कि किस पोर्शन से कितना पढ़ना है, करंट अफेयर से कितना पढ़ना है, अवेयरनेस से कितना पढ़ना है आपको, और किस करंट अफेयर पे ज़्यादा ध्यान देना है, कि अवार्ड्स और बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर जितने भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की करंट अफेयर्स हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, या फिर GK में किस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये उससे पता लग जाता है प्रीवियस ईयर पेपर से। अच्छा, इसमें जैसे हमारे कोर्स में क्या होता है, मास मीडिया में 40% जो है वो MCQ होते हैं और थ्योरी होता है, तो इसमें ऐसा कुछ है क्या सिर्फ कि MCQ आते हैं सिर्फ? नहीं, MSW के जो एंट्रेंस होते हैं उसमें सारा क्वेश्चन MCQ होता है। बेसिकली आपको ये करना होता है कि जो डिवीज़न बटे हुए हैं, सेक्शंस बटे हुए हैं, आपको प्रिपेयर करना होता है। जहाँ पे आप स्ट्रांग हो उसको आप ज़्यादा रिवाइज़ करो, जहाँ पे कम हो वहाँ पे आप और ज़्यादा रिवाइज़ करो। और एंट्रेंस में जैसा आगाज़ ने कहा कि सब कुछ सिलेबस एज क्लैरिफाइड नहीं है, बट अगर आप 10 ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, कहाँ से करना है, GK का कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, रीजनिंग कितनी लेवल की करनी है, हाई लेवल करनी है, मीडियम लेवल करनी है, इंग्लिश में आपको कितना वर्क करना है, वो आपको उस क्वेश्चन से आइडिया हो जाता है। बाकी फिर आपका सारा डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। सो बेसिकली द कोर्स इज फुली इंग्लिश, सो यू विल हैव टू गुड इन कम्युनिकेशन, बिकॉज द GD एंड इंटरव्यू पार्ट विल बी कम्प्लीटली इन इंग्लिश। तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे भी वर्क करना पड़ता है ताकि आप जब GD और इंटरव्यू में जाओ तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर पाओ। बेसिकली जो फोकस करना होता है एंट्रेंस पे अगर हम बात करें तो उस पे लास्ट 1 या 2 ईयर्स की जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स ली हैं गवर्नमेंट ने, उसकी एक लिस्ट पहले अलग से प्रिपेयर कर लीजिए वो, और GK की अरिहंत की एक बहुत बेसिक बुक आती है 35 या 25 रुपीज़ की होती है, जनरल नॉलेज की, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि इतनी डीप मेरे ख्याल से GK नहीं पूछी जाती। रीजनिंग की बेसिक किसी बुक से आप रीजनिंग पढ़ सकते हो। इंग्लिश पे हाँ आपको एक स्ट्रांग होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग जितना मैंने देखा है, जितने मेरे दोस्तों ने प्रिपरेशन करी उनका नहीं हो पाया, वो इसलिए क्योंकि वो GK और सोशल अवेयरनेस पे इतना ध्यान दे देते हैं कि वो रीजनिंग और इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप गौर करें तो
रीजनिंग और इंग्लिश के मार्क्स मिला के इक्वल हो रहे हैं जीके और जनरल सोशल अवेयरनेस के से 40% उसका है 40% इसका है। तो अगर आप रीजनिंग और इंग्लिश अच्छी करके आ जाते हैं और जीके और सोशल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन करी है तो कुछ भी नहीं तो आप 40 में से 20 तो करके ही आएंगे। उसमें से अगर आपके 18 भी ठीक हो गए और आपके रीजनिंग और इंग्लिश में से, ये बहुत मिनिमम मार्क्स बता रहा हूँ मैं आपको, फिर आपने कवर कर लिए इंग्लिश और रीजनिंग से मार्क्स, तो आपका क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। और एक इसमें जो ट्रिक रहती है जो लोग इग्नोर करते हैं, जो कि मैंने अप्लाई करी, वो ये था कि प्रॉपर होल, अगर हम होलिस्टिकली बात करें तो MSW क्लियर करने के लिए आप रिटर्न में कोशिश करिए कि ज़्यादा मार्क्स ले आएँ। तो इन दैट केस अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ या फिर आपका GD अच्छा नहीं हुआ, उसमें कम मार्क्स आए, तो वो कवर हो जाता है। ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन, ये बहुत अच्छा ही टिप दिया है इन्होंने। अच्छा, इसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन रहता है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट है बिहार से रहते हैं, तो वो इंग्लिश को थोड़ा आप एलोबरेट करें कि किस तरह क्या क्या आता है और क्या क्या पढ़ें वो। जी पहले बेसिकली इंग्लिश बहुत बेसिक्स आती है, इंग्लिश के कुछ लॉजिकल रीजनिंग आते हैं, इंग्लिश के आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। बट ये होता है कि बच्चे जब वो क्वेश्चन को देख रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हाई लेवल क्वेश्चन है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, मैं भी खुद झारखंड से आता हूँ, बिहार मेरा पड़ोसी राज्य है, तो वो होता है कि मन में रहता है कि इंग्लिश का क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो वो आप कर जाते हो, क्योंकि एज सच इंग्लिश पर्टिकुलरली पूरा सिलेबस नहीं है, वो एक पोर्शन है इंट्रेंस का जिसमें 20 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं अराउंड। उसमें से भी आपको लॉजिकल इंग्लिश भी होती है और उसमें से एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस बनाने होते हैं, कुछ बेसिक ग्रामर होती है, तो आप कर सकते हो। अगर आप अच्छे से 3 महीने की 4 महीने की तैयारी कर रहे हो तो दैट इज़ इनफ फॉर इंग्लिश, एज़ फॉर माय ओपिनियन ये इतना काफ़ी है। 3 महीना काफ़ी है आपके इंग्लिश करने के लिए, इनफैक्ट 3 महीना काफ़ी है आपको पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। तो इंग्लिश एज सच टैबू बना हुआ है बिहार झारखंड यूपी वालों के लोगों के लिए, और मैं खुद उस जगह से आता हूँ तो मैं बता सकता हूँ, और हिंदी मीडियम से भी पढ़ के आया हूँ, तो वो लगता है अंदर एक डर होता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं लोगों के बीच इंग्लिश में बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, ये अंदर डर रहता है। बट धीरे धीरे जब आप इसमें इंटरेस्ट में तैयारी में घुसते हो, आप प्रिपेयर करते हो, तो आपको फिर वो अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ मैं कर जाऊँगा। फिर वो बस वही कॉन्फिडेंस की बात होती है कि आप कितना तैयारी कर रहे हो, कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बस यही है जहाँ तक मुझे लगता है। कई सब जी जैसे कि आपने बात करी कि टैबू की, बिहार झारखंड यूपी हम सब बच्चों के लिए, जैसे कि शेव ने बताया कि वो झारखंड से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो और जो मेजॉरिटी हमारे क्लास का क्राउड है वो इन्हीं 3 स्टेट से है, तो कितना भी टैबू है, कितना भी हम कमज़ोर हैं, लेकिन इन दी एंड आपको पता चल जाएगा क्लियर कि कौन विन विन सिचुएशन में है, किस कहाँ से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो इट्स ऑल ऑन योर हार्ड वर्क, देखिए मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा, अभी नहीं तो थोड़ी टाइम बाद मिल जाएगा, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो किसी और कोर्स में मिल जाएगा। लेकिन मैं तो बल्कि प्रमोट करता हूँ कि बिहार झारखंड यूपी से बच्चे उठ के आएँ, स्पेशली इन कोर्सेज से, क्योंकि देखिए उन स्टेट्स में ही सोशल वर्क की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सोशल वर्क के इंटरवेंशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन स्टेट्स में। तो कोई एलीट घर से आया हुआ बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी अपने किसी अच्छी कॉन्वेंट से पढ़ी है, मैं डिग्रेड नहीं कर रहा किसी को, लेकिन उनसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत उन बच्चों के आने की है इस कोर्स में जो कि बिहार झारखंड यूपी से हैं, क्योंकि वो अपने इन स्टेट्स को, अपनी स्टेट्स की इन प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो ग्राउंड पे उन्होंने रियलिटीज़ देखी हैं उन ग्राउंड पे रियलिटीज़ में वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरा ये मानना है उन बच्चों से जो कि इन रियलिटीज़ से वाकिफ़ नहीं है, जो कि एक रूरल स्ट्रक्चर से वाकिफ़ नहीं है, जो कि नहीं जानते कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो रहा है तो वो, और मतलब ऑन ग्राउंड कैसा है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसकी, पैट्रियार्की की क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, डाउरी की क्या सिचुएशन है, ये जो सोशल इवेल्स की जिनके हम बात करते हैं, चाइल्ड मैरिज की हो गई, चाइल्ड अब्यूज की हो गई, सेक्सुअल अब्यूज़ की हो गई, ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं देखिए इन्हीं 3 स्टेट में ज़्यादा प्रिवलेंट हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि बच्चे बिल्कुल ना घबराएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, और मैंने आपको ट्रिक बताई वो कि आप 80 में से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं एंट्रेंस में अगर आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है, और आप ऑनेस्टली जवाब दीजिए। इंटरव्यू का सबसे मेन मकसद ये होता है वो आपकी ऑनेस्टी परखते हैं, और वो परखते हैं ये चीज़ कि आप कितने एक्साइटेड और कितने डेडिकेटेड हैं इस कोर्स के लिए, बेसिकली कितने तैयार हैं आप, क्योंकि सोशल वर्क इज़ अ हेल ऑफ अ जॉब, इतना आसान नहीं है सोशल वर्क का बनना। हम अभी सेकेंड ईयर में हैं, हमें नहीं मिलता टाइम, हम संडे मिलता है उसमें भी हम रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं अपनी, तो ये बहुत एक हेक्टिक कोर्स है, तो इसमें डेडिकेटेड बच्चे ही टिक पाएंगे।
अभी रिसेंटली बच्चे आते हैं एक आध महीने के बाद वो ड्रॉप कर देते हैं कोर्स, किसी और कोर्सेज में ले लेते हैं एडमिशन या फिर प्रिपरेशन कर लेते हैं किसी चीज़ की। तो मेन उनका जो ड्रॉप करने का रीज़न यही रहता है कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा होता कि इतना हेक्टिक कोर्स निकलेगा, लेकिन वो जो हेक्टिक स्केड्यूल है वही आपको एक बेहतर सोशल वर्कर में डेवलप करता है। एक और क्वेश्चन है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं MSWs के लिए, तो आप कुछ जामिया के अलावा भी कॉलेजेस होंगे तो कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे कि कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इस फील्ड के लिए? और जी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछ लिया है, क्योंकि मेरा खुद का एडमिशन जो हुआ था पहले MSW में वो हुआ था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। आई वॉज एनरोल्ड इन मास्टर्स इन सोशल वर्क फॉर पब्लिक हेल्थ। सो वो जामे की मोहब्बत थी जो हमें वापस खींच लाई, लेकिन हाँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई कैंपस खासकर और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ अगर आप जामिया के अलावा कहीं और ट्राई करना चाह रहे हो तो ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जहाँ आप कर सकते हो, जिसमें कि बहुत अच्छा एक स्कोप है और एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी इन जगहों से और एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और JNU में भी होता है क्या सोशल वर्क कुछ MSW? जी नहीं, JNU में नहीं होता है सोशल वर्क, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये पूछ रहे थे कि JNU में अगर इस कोर्स के रिगार्डिंग कुछ है तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। ये पब्लिक हेल्थ मिल जाएगा JNU में शायद, लेकिन सोशल वर्क डायरेक्ट एग्जैक्ट जो डिग्री होती है मास्टर्स इन सोशल वर्क की वो JNU में नहीं है इस वक्त। जैसे जब जामिया में बच्चे आते हैं तो बेसिकली उनका ये भी रहता है कि हमें डिग्री तो मिल जाएगी पर इसके बाद प्लेसमेंट का क्या, प्लेसमेंट कितनी होती है? तो आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर पता होगा और आपने देखा होगा अपने आसपास प्लेसमेंट लगते हुए, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? प्लेसमेंट के रिगार्डिंग लोगों का ये होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो खुद की। तो जामिया की MSW खासकर डिपार्टमेंट की, हमारे डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी रही है कंपैरेटिवली देखें अगर पूरे जामिया से। लास्ट ईयर हमारा प्लेसमेंट इनफैक्ट 100% था, सारे बच्चे कोविड के बावजूद प्लेसमेंट उनकी अच्छी हुई है। और उसके लास्ट ईयर थोड़ा सा सिचुएशन ये था कि कोविड उस टाइम पीक पे था, 2020 में बात कर रहा हूँ मैं, तो उस टाइम लोगों के साथ ये था कि क्लासेस ऑनलाइन हो गई थी, प्लेसमेंट एजेंसीज का भी ये था कि उनको भी पता नहीं है कि वो आगे की सिचुएशन क्या होने वाली, तो उस वजह से प्लेसमेंट उस टाइम थोड़ी ख़राब हुई थी। बट होपफुली वी आर होपिंग कि इस साल हमारी प्लेसमेंट और अच्छी हो। इनफैक्ट हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट एजेंसीज को हम अपने डिपार्टमेंट ले आएँ, और ताकि सारे जो बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से हो जाए, उनको ऑफलाइन ना जाना पड़े या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए ना जाना पड़े। तो हम इसी कोशिश में अभी फिलहाल लगे हुए हैं। रही बात है प्लेसमेंट को लेकर, लोगों के मन में एक ये भी होता है कि सवाल होते हैं क्या कि जामिया हमारे मतलब जामिया के जो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल है वो बहुत एफर्ट लगाता है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट खुद भी इतना एफिशिएंट है कि वो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट के अलावा खुद से भी वो अदर एजेंसीज को बुलाता है और डिपार्टमेंट के थ्रू प्लेसमेंट करवाता है। तो इस मामले में हम शायद थोड़े ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं बच्चों के ऊपर, बच्चे भी एफर्ट्स लगाते हैं, बच्चे खुद सारा काम करते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, हमारे डिपार्टमेंट की प्लेसमेंट कमेटी की सेल बनी होती है। इस वजह से जो अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो कोर्स के हिसाब से प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे MBA की या MA HR की, तो हमारी प्लेसमेंट उनसे भी काफ़ी अच्छी हुई है, तो वी आर होपिंग कि हमारा भी अच्छा ही हो। एवरेज प्लेसमेंट क्या रहता है? एवरेज प्लेसमेंट देखिए 6-7 लाख रहता है। मैक्सिमम जो लास्ट ईयर प्लेसमेंट गया था वो 12 लाख का गया था, 11-12 लाख का, तो एवरेज वही 5-6 या फिर 6-7 रहता है। डिपेंड्स कि कितनी कंपनीज आई हर साल, क्योंकि चेंज होती रहती हैं चीज़ें, लेकिन हाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं कंपेरेटिवली कि अदर कॉलेजेस की, अदर कोर्सेज की अगर हम जामिया की बात करें, क्योंकि जामिया से आप खुद हैं तो आपको पता है कि इतनी अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जामिया से अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो होपफुली कि चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जामिया, अगर हम जामिया के मास्टर्स इन सोशल वर्क की बात करें, तो वी हैव बीन लकी, एंड कहीं ना कहीं लकी से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो हार्डवर्किंग बहुत रहा है हमारे डिपार्टमेंट, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि शुएब ने बहुत खूबसूरती से कवर करा वो सारी चीज़ें, कि हमारी फैकल्टीज़ का इतना एक्सपीरियंस है, इतना दबदबा रहा है इस फील्ड में कि वो अपने बच्चों को खाली नहीं रहने देते, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो बच्चे बिल्कुल प्लेसमेंट से रिलेटेड तो बेफिक्र रहते हैं, वो अपने कोर्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि प्लेसमेंट इन दी एंड अगर आपने अच्छी नॉलेज गेन करी है, आपने अच्छा फील्ड वर्क करा है, फील्ड वर्क एक बहुत बड़ा अच्छा सेक्शन है इस कोर्स का, जो कि हर सेमेस्टर हमें करना होता है कुछ पर्टिकुलर दिन के लिए।
एक मिनट के रोकना चाहूँगा, ये फील्ड वर्क जो है वो किस तरह का फील्ड वर्क होता है और कितने दिन फील्ड वर्क होता है इसका, उस पर कुछ बताएं आप। जी तो फील्ड वर्क पूरे आपको 4 सेमेस्टर ही करना होता है। तो दो तरीके से पहले फील्ड वर्क होता है, एक तो ब्लॉक प्लेसमेंट होता है, एक कि जो कॉन्करेंट होता है। तो ब्लॉक प्लेसमेंट भी है कि लगातार 30 दिन आप फील्ड वर्क करेंगे किसी एक एजेंसी में, किसी एक कम्युनिटी में। लेकिन जो कॉन्करेंट है उसमें आप ये है कि वीक में 2 दिन जाएंगे, बाकी दिन आपकी क्लासेस या फिर सेमिनार्स वगैरह जो भी हैं वो होंगे। तो अभी जो हमारा लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो हमारा अपना टाइम दिया, काफ़ी कीमती टाइम था, क्योंकि MSW काफ़ी ज़्यादा ही बिज़ी कोर्स है, तो इतने में भी इन्होंने अपना टाइम दिया, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हम इनसे शुक्रिया कहना चाहेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्हें हमारे साथ इंटरव्यू देके इनको कैसा लगा। इट वॉज़ गुड इनफ, अच्छी थी, एक बहुत अच्छी इंटरव्यू थी और बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत जो ज़रूरी सवाल होते हैं एक प्रिपरेशन के लिए, किसी भी चीज़ की एंट्रेंस बेस्ड हो, इंटरव्यू हो, GD हो। तो मेरा मानना है कि इतने पे सबको क्लैरिटी हो जाएगी शायद, लेकिन अगर नहीं हुई तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम इनके कॉन्टैक्ट में रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए हैं सोशल वर्क से, सोशल वर्क की फील्ड में, और जो कि डेडिकेटेड हों इस फील्ड के लिए। सो वी आर ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प। सो यहीं पे ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, करके जाइएगा, ठीक है? और ऐसे ही इंटरव्यू हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए इस इंटरव्यू को ख़त्म करते हैं। थैंक यू भाई, चल देख लेते हैं कैसे आवाज़।